इसलिए हमेशा इसको एक्स से, एक्स से ही अपन इसको डिनोट करेंगे। मोटर के केस में जस्ट अपोजिट लिखना है, ये तो क्रॉस मैग्नेटाइज ही रहेगा, ये डीमैग्नेटाइज है तो मोटर के केस में मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये मैग्नेटाइज है तो मोटर के केस में डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ये सारे इफेक्ट जस्ट अपोजिट हो जाते हैं अगर आप मोटर की बात करते हो। और सिंक्रोनस इंपीडेंस क्या होता है, अगर आप आर्मेचर रिएक्शन और जो सिंक्रोनस आपका रिएक्टेंस है इन दोनों का आप ऐड करके लिखोगे, जो आपका आर्मेचर रिएक्शन का रिएक्टेंस है एक्स ए आर और जो स्टेटर का रिएक्टेंस है इन दोनों को ऐड करके लिखोगे तो ये एक्सेस बन, इसी को बोलते हैं अपन सिंक्रोनस इंपेडेंस। ये होता है सिंक्रोनस इंपेडेंस, एडिशनल ऑफ आर्मेचर रिएक्शन प्लस लीकेज रिएक्टेंस इन दोनों को ऐड करके आप ये लिखोगे। तो ये डायग्राम के डायग्राम कल अपन ने देखे थे, इसमें आर्मेचर रिएक्शन का भी इंक्लूडेड था। ठीक है